हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोबोशाला। दोस्तों, मैंने रिसेंटली अली एक्सप्रेस से 37-in-1 सेंसर किट को मंगाया है, तो ये मुझे अराउंड 750 के आसपास पड़ा और इसे आने में करीबन 30 डेज लगे। तो इस वीडियो में हम किसी तरह का ट्यूटोरियल नहीं देखने वाले हैं, बल्कि इसका एक रिव्यू देखेंगे कि इसे लेना सही होगा या नहीं आपके लिए। तो मैं इसके पैकेट को पहले ही खोल चुका हूँ, तो चलिए मैं इस बॉक्स को खोल के आपको दिखाता हूँ इसके अंदर हमें मिलती क्या है। तो सबसे पहले आपको एक लीफलेट मिलता है। इस लीफलेट में आपको 37 सेंसर्स के बारे में बताया गया हो कि सबके नाम क्या क्या हैं। तो इसे मैं साइड में रख देता हूँ। तो ये रहा सेंसर का बॉक्स। हालांकि जब मैंने इसे परचेज किया था, तो उस समय जो मुझे बॉक्स दिख रहा था वो कुछ ऐसा दिख रहा था जिसमें कैबिनेट्स बने हुए थे, लेकिन जब मेरा ऑर्डर रिसीव्ड हुआ तो वो कुछ ऐसे तरीके के बॉक्स में था। तो इसमें सबसे पहले हमें सेंसर देखते हैं। तो देखिए, हमारे पास यहाँ जॉयस्टिक है, हमारे पास रिले हैं, साउंड सेंसर है, रोटरी इनकोडर है, फ्लेम सेंसर है, फिर यहाँ हमारे पास मिनी साउंड सेंसर है, यहाँ हमारे पास DST-11 है, फिर यहाँ हमारे पास लीनियर हॉल सेंसर है, फिर यहाँ डिजिटल टेम्परेचर सेंसर है, ऐसे ही करके यहाँ आपको टिल्ट स्विच भी मिल रही है जो कि बहुत आउटडेटेड सेंसर है। फिर यहाँ आपको IR अवॉइड सेंसर्स मिल रही है जिसे आप बॉट में यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको, अगर मैं दिखाऊँ कुछ सेंसर्स के बारे में, तो यहाँ आपको LED SMD मिल रही है RGB के लिए। फिर यहाँ आपको लाइन फॉलोअर के लिए IR जो होता है वो है। फिर आपको यहाँ बजर है और फिर यहाँ काफ़ी सारी छोटी छोटी सेंसर्स है, ठीक है। तो मैं अगर अपने रिव्यू दूँ तो मैं थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, लेकिन इस प्राइस रेंज में ये जितने भी कंपोनेंट्स है सब ठीक ही है। इससे ज़्यादा और कुछ ऑफर मिल नहीं सकता था आपको। तो इसमें जो मुझे कमी लगी कि इसमें RFID टैग नहीं है, RFID सेंसर नहीं है, रियल टाइम क्लॉक नहीं है, टच सेंसर बढ़िया नहीं है, ठीक है। बढ़िया मतलब इन्होंने जो टच सेंसर दिया है वो ये रहा टच सेंसर, तो ये रहा आपका टच सेंसर। पता नहीं ये टच सेंसर कैसे काम करता, मैंने इस पर कभी काम किया नहीं है। तो इसमें बहुत सारी कंपोनेंट्स है, अगर मैं बात करूँ IR इमिशन, ठीक है, तो अननेसेसरी कंपोनेंट है। इसमें IR रिसीवर दी गई हुई है जो कि एक रिक्वायरमेंट है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट्स में। फिर यहाँ एक लेज़र दिया हुआ है, ठीक है, और कुछ कुछ बेकार की भी चीज़ें दी गई हुई है। जैसे मैं बता दूँ, आप यहाँ देख सकते हैं, जब इन्होंने एक साउंड सेंसर दिया है तो मिनी से ये स्मॉल साउंड सेंसर का कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर यहाँ डिजिटल टेम्परेचर इन्होंने दिया है जबकि यहाँ एक DST इन्होंने दिया हुआ है। तो एज अ होल मैं बात करूँ तो इसमें आपको बहुत सारी सेंसर मिलेगी जो आपके लिए, आपके प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़लेस होगी। जैसे मैं अगर ट्रैकिंग या लाइन फॉलोअर की बात करूँ तो आपको एक सिंगल सेंसर मिलती है, जबकि आपको लाइन फॉलोअर बनाने के लिए दो तो चाहिए ही मिनिमम। तो दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लेना चाहते हैं इन सेंसर्स को तो ले सकते हैं, लेकिन इसमें से बहुत सारी या फिर कुछ सेंसर्स ऐसी होंगी जिसे आप किसी प्रोजेक्ट्स में अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ एक पुश बटन का भी इन्होंने सेंसर दिया हुआ है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये नहीं है, ये देखिए, तो इन्होंने एक पुश बटन सेंसर दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या, मुझे समझ में नहीं आता। आप तो पुश बटन नॉर्मली ऐसे यूज़ ही कर सकते हो, तो ये एक अननेसेसरी सेंसर है। ऐसे करके आपको यहाँ RGB सेंसर भी मिल रही है, ठीक है, जैसे RGB LED एक दी गई हुई है। SMD LED भी मैं अगर चाहूँ तो बोलूँगा बेकार ही है। यहाँ आपको दो बजर मिल रही है, एक है पैसिव बजर और एक है जो नॉर्मल बजर हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एज अ होल इस प्राइस रेंज में लेने के लिए 750 या 800 में लेने के लिए ये किट सही रहेगा आपके लिए। और इंडिया में ये 1500 के ऊपर ही अवेलेबल है। मैंने चेक किया था अभी तो रोबो किट्स पे ये 1500 की अवेलेबल है और सब दूसरे साइट्स पे 2000 के ऊपर अवेलेबल है। तो दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हो इसे लेने में तो आप ले सकते हो। आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम इन कुछ सेंसर्स के बारे में ट्यूटोरियल बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए। थैंक यू।